श्री वृंदावी वैभवश्री जी, अब शुरू कर सकती हैं। तो आपका ये दूसरा सेशन है, पहले सेशन में आपने तीन अध्याय पूरे किए थे उत्तराध्यायन के, जो है अभी ये कंटिन्यूएशन है। एक मिनट, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोए सव साहूणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानंच सवेशं परमं हव इमंगलम। ध्याने मूलं गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोर्पदम्, मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा, मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु के ज्ञान का टीका। सद्गुरुदेव को प्रणाम। अनंत उपकारी चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। उनकी वाणी, उनकी देशना हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। उत्तराध्यायन सूत्र के रूप में गुम्फित हुई उनकी वाणी का अति संक्षिप्त परिचय हम यहां पर प्राप्त कर पा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना के इस जैन सोसाइटी ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक हफ्ता पहले हमने जो प्रथम सेशन, प्रथम सत्र लिया था, उसमें उत्तराध्यायन सूत्र के तीन अध्यायों का नाम परिचय प्राप्त किया था। पहला अध्याय विनय श्रुत, जो कहता है बिना अपेक्षा के सुनना सीखो, सुनना सीखो, बिना किसी पकड़ के, पूर्व मान्यता के मात्र सुनो, सुनने के साथ ही दर्शन पैदा होगा, अनुभव पैदा होगा। अगर मात्र सुनना आ जाए तो मात्र देखना भी आ जाएगा, और जब देखने के ऊपर किसी तरह का आवरण ना आए, कोई मान्यता बीच में ना आए,
कोई बिलीफ सिस्टम बीच में ना आए, तो हमारा दर्शन हर पल हमें मुक्ति का आनंद देगा, हर पल हम मुक्त रहेंगे। लेकिन ये जो प्रथम अध्याय है ये एक ही क्षण में सद जाए ऐसा तो नहीं है। ये आचार्यों की वाणी असेंडिंग ऑर्डर में है। हम विनय श्रुत को सुन तो पहले रहे हैं, लेकिन ये पहले ही सद जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं करते। इसके लिए दूसरा चैप्टर हमें फिर एक शिक्षा देता है जिसका नाम है परिशह प्रविभक्ति। यानी कठिन परिस्थितियां जीवन में जब आएगी, या ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हमें सहना होगा, जिसे स्वीकार करना होगा, तो उन परिस्थितियों के बीच में हमें कैसे रहना है, वो रहने की विधि उस दूसरे अध्याय में बताई गई है। हे साधु, अगर प्रतिकूलता आए तो अदीन मनसो चरे, अपने मन में दीनता मत लाना, अपने मन में दुर्बलता मत लाना, खुद को इंफीरियर मत बनाना। जो भी स्थिति हो रही है उस स्थिति को एक्सेप्ट करते जाना। तो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, मच्छर, नग्नता, कभी असम्मान और कभी सम्मान, कभी स्त्री को पुरुष का आकर्षण, पुरुष को स्त्री का आकर्षण, हर तरह की स्थितियां जिंदगी में आएगी। और अगर उन हर परिस्थिति के बीच में साधक अपनी मन स्थिति को समता में रख सके, ना दीनता में ले जाए ना उच्चता में, ना इंफीरियर बने ना सुपीरियर बने, तो उसके भीतर विनय गहरा होता जाएगा, विनय प्रकट होता जाएगा। एक्सेप्टेंस में विनय आ जाता है, एक्सपेक्टेशन में चला जाता है। तो इन दो चैप्टर को अगर हम सार रूप में समझें, तो जिंदगी में जो भी परिस्थिति आए उसमें मन स्थिति को संभालना है और एक्सेप्टेंस की फ्रिक्वेंसी पे रहना है। एक्सपेक्टेशंस में नहीं जाना, उम्मीद नहीं पालना, कोई नए नहीं बनाना, कोई पकड़ नहीं बनाना, तो विनय घटित होगा और परिशय जीवन को प्रफुल्लित करने वाले बन जाएंगे, जीवन को विकसित करने वाले बन जाएंगे। और तब दुर्लभ चीजें स्वयमेव सुलभ हो जाएगी। और दुर्लभ क्या है वो? मानुसत्तम, सुई श्रद्धा, संयमम्मी अवीर्यम। ये तीसरे अध्ययन में हमने सीखा कि चार अंग दुर्लभ है, लेकिन ये चारों दुर्लभ अंग उसके लिए सुलभ हो जाते हैं जो विनयवान है और जो स्वीकृति की दशा में जीता है, समत्व की दशा में जीता है। उसके भीतर ये चारों अंग घटित होते हैं। वो अपने आप को जानने के यात्रा में आगे बढ़ जाता है और तब बाहर की चीजों के लिए उसको कोई कामना ही नहीं करनी पड़ती। ये तीसरा अध्याय एक और अद्भुत बात कहता है कि जो अपने आप पर काम कर रहा है उसको बाहर की किसी भी तरह की सुख सुविधा के लिए ना तो कामना की जरूरत है, ना याचना की जरूरत है, और ना कभी भी परमुखापेक्षी बनने की जरूरत है। बाहर के उत्तम संयोग स्वयं में उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं जो अपने केंद्र में स्थित होने लगता है, और तब उसको 10 उत्तम परिस्थितियों की प्राप्ति होती है। उत्तम कुल में जन्म होना, निरोग शरीर होना, धन धान्य से परिपूर्ण जीवन मिलना, और इन सब की स्थिति के बावजूद वह इन सब में कभी भी लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता इसीलिए तो सारी चीजें मिल रही है, और वो लिप्त होता ही नहीं, इसीलिए वो इन सब चीजों को प्राप्त करते हुए भी, इन सब को भोगों से गुजरते हुए भी मुक्त होता चला जाता है। ये तीसरे अध्याय का सार था। चौथा अध्याय और मेरा प्रिय अध्याय जिसका नाम है असंख्यम, बहुत ही प्यारा अध्याय है, नाम ही महत्वपूर्ण है। इसकी पहली गाथा कहती है, असंख्यम जीवीय मापमायये जरो वण्यसहुनति ताणम् एवं व्याणाहि जने पमते किन्नु विहिंसाजया गहिन्ति। ये सवाल सदियों से पूछा जाता आ रहा है, हर युग में लोगों ने सवाल किया, जीवन है क्या आखिर, जीवन है क्या? संगीतकार कुछ आंसर देगा, चित्रकार कुछ और आंसर देगा, शेयर मार्केट में बैठा हुआ शायद कुछ और आंसर देगा, किचन में काम करने वाले लोग शायद कुछ और आंसर देंगे। वो किचन में काम करने वाले कहते हैं, जीवन क्या है, रोज सुबह उठो वही झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह शाम वही खाना बनाओ। शेयर मार्केट में काम करने वाला कहेगा, जीवन क्या है, बस अंकों का विज्ञान है,
दिन रात भाव ऊपर उठते हैं, भाव नीचे गिरते हैं, और भावों के साथ ही हमारी सारी जिंदगी चलती रहती है। सबके आंसर अलग अलग होंगे ना। कुछ ऐसे लोग हैं संस्कृतवादी लोग जो उस जमाने में जब महावीर मौजूद थे, और आज भी है ऐसे लोग जो कहते हैं जीवन बस एकदम गणित के नियमों की तरह सीधा साफ सपाट, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, बस जीवन तो सीधा सीधा संस्कृत है, हम जैसा चाहे वैसा बना डाले इसको। अच्छा उनसे पूछो जैसा चाहे वैसा बना डाले तो फिर मौत क्यों आती है? मृत्यु तो कोई नहीं चाहता। जब जैसा चाहे वैसा बना डाले, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तो फिर मृत्यु क्यों आती है? मृत्यु तो कोई नहीं चाहता, फिर मृत्यु पे अधिकार क्यों नहीं हमारा? नहीं, महावीर कुछ और कहते हैं। जीवन क्या है? एक तो ये प्रश्न बहुत आता है, हर युग में आएगा, जीवन क्या है। दूसरा प्रश्न ये आता है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? हम आखिर है क्यों, जाना कहाँ है, उद्देश्य क्या है इस जीवन का, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य हमेशा आखिरी होता है, अंत में होता है ना, मंजिल, टारगेट। क्या है लक्ष्य जीवन का? हम देखें सारा जीवन कहाँ जाता है, मृत्यु में। हर जीवन कहाँ चला जाता है, मृत्यु में चला जाता है। हर एक जीवन, छोटे से छोटे प्राणी का लेकर से बड़े प्राणी तक का, हर एक का जीवन कहाँ जाता है, मृत्यु में समाहित हो जाता है। तो उद्देश्य क्या हुआ इस जीवन का, मौत। लेकिन जीवन क्या है? महावीर कहते हैं असंख्य, असंस्कृत है जीवन, संस्कृत नहीं है ये, इसको संस्कारित नहीं किया जा सकता। संस्कृत का मतलब होता है कृत को संस्कारित कर दो, कार्यों को एकदम सुंदर रूप दे दो, एक अच्छा परफॉर्मा तैयार कर दो। हाँ, हम खाने को सजा सकते हैं, हम कपड़ों को सजा सकते हैं, हम वाहनों को सजा सकते हैं, मकान को सजा सकते हैं, लेकिन क्या इस जीवन को, क्या जीवन को हम श्रृंगारित कर सकते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा ही होता रहेगा हर पल हर क्षण? नहीं नहीं किसी भी पल किसी भी क्षण जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत का मतलब है वो प्राकृत है, दो ही तो शब्द है, एक प्राकृत और एक संस्कृत। अब भाषाविदों की दृष्टि में जो भाषा वैज्ञानिक है वो कहेंगे संस्कृत पहले थी प्राकृत बाद में आई, कोई कहेंगे प्राकृत पहले थी संस्कृत बाद में आई। अब जरा सोचो, जो कृति से पूर्व है उसका नाम प्राकृत, और जो किसी भी कृति से पूर्व है वो प्राकृत है, तो उसको बनाया तो गया ही नहीं है, और जो बनाया ही नहीं गया तो वो पहले कब पीछे कब, उसके पहले और पीछे का सवाल कब आएगा? जब किसी को बनाया गया हो तो उसके लिए पहला पीछे का कोई सवाल आ सकता है? प्राकृत शब्द का मतलब ही है कृति से प्राक, पूर्व में है वो, और जो पूर्व में ही है किसी भी कृति से तो उसको तो बनाया नहीं जा सकता, तो प्राकृत है। संस्कृत का मतलब है जो कृत है उसको संस्कारित करना, उसको एक सुंदर रूप देना, सुंदर आकार देना, उसका विज्ञान स्थापित करना, उसकी व्याकरण बिठाना। संस्कृत की तो व्याकरण प्रोबेबली बिठाई जा सकती है, प्राकृत की तो कोई व्याकरण ही नहीं बिठाई जा सकती। लेकिन फिर भी हमारे जैसे मूड लोग हैं जो प्राकृत पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और प्राकृत के अंदर PhD करते हैं, और प्राकृत का मतलब ही है नेचुरल। अब जो नेचुरल है उसको जाना जा सकता है, उसको जिया जा सकता है, लेकिन उसको सीखा और सिखाया कैसे जा सकता है, उसका विज्ञान कैसे स्थापित किया जा सकता है? लेकिन किसको प्राकृत से प्रयोजन है? सबको संस्कृत से प्रयोजन है, हर कोई संस्कारित करना चाहता है, यानी कुछ आकार में बांध लेना चाहता है जो कि पॉसिबल नहीं है। असंख्यम जीवियम, जीवन क्या है? महावीर कहते हैं असंस्कृत है जीवन। असंस्कृत का मतलब है कि इसको हम संस्कारित नहीं कर सकते, हम 2 × 2 = 4 की तरह इस जीवन को नहीं ले सकते। जीवन का गणित ऐसा नहीं है कि आप 2 और 2 जोड़ो तो 4 ही होंगे। जीवन का गणित ऐसा है कि 2 और 2 जोड़ो तो कभी 22 भी हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी कुछ और भी स्थिति पैदा हो सकती है, कुछ इनफाइनाइट स्थितियां भी पैदा हो सकती है, कहा ही नहीं जा सकता। जो लोग इस जीवन को गहराई से जागते हुए जीते हैं उन सब ने एक बात कही कि जीवन के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ भी प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखो कितने लोग ज्योतिष को लेकर के कितनी बातें करते हैं, हर कोई आदमी बस प्रिडिक्शन पहले से ही जान लेना चाहता है, भविष्य क्या भविष्य क्या। लेकिन किसी भी ज्योतिषी को पता है क्या कि किस क्षण मौत आ जाएगी, किस क्षण कोरोना आ गया, रूस और यूक्रेन में युद्ध चालू हो गया, किस क्षण ओमिक्रॉन आ गया, ये कौन ज्योतिषी बता पाया?
असंस्कृत है जीवन, हम इस पल सांस ले रहे, अगली सांस आएगी या नहीं आएगी कुछ नहीं पता। विराट गुरु जी कहा करते कि जीवन मृत्यु मुख का ग्रास, न जाने टूटे कब सांस। जीवन और मौत मुख के ग्रास की तरह है, अभी ग्रास अंदर निकला है, अगले पल का पता नहीं है, मुंह में डाला है, निगल भी पाएंगे या नहीं पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन मृत्यु मुख का ग्रास, न जाने टूटे कब सांस, दुर्गुण तुझको छैली मेरी सलाम। जैसे दुर्गुण को छैली सलाम कर दो, तो महावीर कहते हैं जीवन असंस्कृत है, मतलब अक्रम है, बियॉन्ड एनी ऑर्डर है। बहुत प्यारा अध्ययन है ये, और ये अध्ययन इतने महत्वपूर्ण सूत्र देता है। पहला ही सूत्र ये है कि हम इस जीवन को बंदी बंधाई लकीरों में नहीं जी सकते, बंधे बंधे पैमानों में नहीं बांध सकते, नहीं देख सकते, और फिर भी हम सब कोशिश करते हैं कि बचपना ऐसे बीते, जवानी ऐसे बीते, बुढ़ापा ऐसे बीते, हर साल ऐसे बीते। हम हर साल का टारगेट बनाते हैं, इस साल को मेरे को ये अचीव करना है, और फिर साल के अंत में बहुत सारे लोग कुछ रो रहे होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं, लेकिन उनको किसी को नहीं पता कि हमारे बांधने से जीवन नहीं बन रहा है। ये तो असंस्कृत है। अगर ऐसे ही बांधा जा सकता होता तो कोई भी आदमी अपनी पूर्ण आयु की बात चिंता करता है, मैं 100 साल जीऊंगा, 500 साल जीऊंगा। माइकल जैक्सन क्या करता था, मैं 150 साल जीऊंगा, हर चीज तोल तोल करके खा रहा था, इतनी कैलोरी, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, क्या हुआ, अचानक चला गया ना। और जब चला गया उसको जाके कोई पूछ भी नहीं सकता कि तू तो कह रहा था 150 साल जिएगा, पहले कैसे चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग अपने बारे में भविष्यवाणी करते हैं, मैं 200 साल जीऊंगा, 250 साल जीऊंगा, मैं 100 साल जीऊंगा, लेकिन कब चला जाएगा, और जब चला ही जाएगा तो पता कैसे चलेगा। असंस्कृत है जीवन। तो महावीर ने कहा असंख्यम जीवियम मापमाय, करना क्या है। तो महावीर ने क्या करना ये नहीं बताया, क्या नहीं करना ये बताया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, महावीर ने कहीं निर्देश ये नहीं दिए कि तुम ये करो, बस उन्होंने एक बात का निर्देश दिया कि तुम ये मत करो। क्या नहीं करो, तो का प्रमाद मत करना, माँ पमाय, प्रमादित मत होना। प्रमादित होने का मतलब है सोई मत रहना, मूर्छित मत रहना, बेभान मत रहना, खुद के प्रति भान से रहना। हम दूसरों के प्रति तो भान से भरे हैं, अपनी तिजोरी के प्रति, अपने कैश अकाउंट के प्रति, अपने बैंक बैलेंस के प्रति, इन सब के प्रति तो हम बहुत जागरूक रहते हैं, लेकिन खुद के प्रति, जो मैं हूं वो क्या हूं, जो मैं हूं वो क्या हूं, उसके प्रति हमें कोई भान नहीं। हाँ, इस शरीर के प्रति भान है, लेकिन इस शरीर को जो चला रहा है उसके प्रति भान नहीं है। ये जो सांस आ जा रही है उसके प्रति भान नहीं है। एक क्षण भी सांस रुक जाए तो जीवन कहां, लेकिन भान ही नहीं है ना। तो महावीर कहते हैं असंख्यम जीवियम, जीवन असंस्कृत है, संस्कारित नहीं किया जा सकता। कोई यंत्र तंत्र मंत्र से, दैविक सहायता से कोई सोचे कि मैं इसको ऐसा ऐसा बना लूंगा, सारी शक्तियां हासिल कर लूंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र इस जीवन को संस्कारित नहीं कर सकते, सांध नहीं सकते, और ये क्षण किसी भी क्षण टूट जाएगा, जरो वड़ियस बुढ़ापा आ जाएगा, नत्थी ताणुम, कौन रक्षा करेगा, बुढ़ापे से कौन रक्षा करेगा, मृत्यु से कौन रक्षा करेगा। आदमी सोचता है धन कमा लूं तो मेरा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा, ये मान्यता आज की नहीं, युगो युगो पुरानी मान्यता है। उत्तराधन सूत्र में ये मान्यता मिल रही है कि आदमी सोचता है कि बस वित्त होगा तो मैं त्राण हो जाएगा, लेकिन सूत्र कहता है वित्तीर्ण ताणम न लभे पमत्ते, इस धन से कोई रक्षा नहीं हो सकती, ना इस लोक में ना परलोक में। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, खूब धन है बुढ़ापा सेफ है। अच्छा, इनको पूछो धन से बुढ़ापे का क्या संबंध है, तो लोग कहते हैं कल को बीमार हो गए तो डॉक्टर को देने के लिए पैसा तो चाहिएगा। यानी आप इतना सारा धन दिन रात मेहनत करके बेचैन होकर के इसलिए इकट्ठा कर रहे हो कि बीमार हो गए तो अमेरिका जाकर के अपना ऑपरेशन करा पाओगे। पहले ही हमारे भीतर में यही तो सोच चल रही है, क्योंकि गहरे में तो सबको शंका है इस जीवन के प्रति, गहरे में तो सबको शंका है इस बुढ़ापे के प्रति, बीमारी के प्रति। तो महावीर कह रहे हैं ये शंका क्यों है, क्योंकि हम सोए पड़े हैं। और शंका करना वैसे तो गलत माना जाता है, लेकिन ये अध्ययन कह रहा है कि शंका भी करना, ये अध्याय ऐसा कह रहा है कि चरे पयाइन परिसंक मानो जम किंचि पासम यह मन मानो, कि पग पग पर तुम शंका करते हुए चलना, शंकित होते हुए चलना, पग पग पर चरे पयाइन परिसंक मानो, परिसंक मानो के चलना। क्यों, क्योंकि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जब किंच पासम ये मन मानो, जो कुछ भी वो पाश कर रहा है, वो बांध रहा है,
हर चीज हमें बांध रही है, हर चीज हमें प्रभावित कर रही है, और जैसे ही हम किसी अन्य चीज से प्रभावित हो जाते हैं हम बेभान हो गए, अब हम स्वभाव में नहीं रहे। स्वभाव में नहीं रहे, प्रभाव में चले गए, जो प्रभाव में गया वो परभाव में गया, विभाव में गया, अब वो भटकेगा। तो कह चरे पयाम परिसंक मानो जम किंचि पासम यमन न मानो लाभन तरे जीव भू इतना पच्छा परिनाय मलावदंसी। ये शरीर से जब तक उपयोग कर सकते हो कर लो, ये शरीर जिसके लिए मिला है उस चीज को जान लो। यही एक शरीर है जो अपने आप को जानने की यात्रा में पूर्णता तक ले जा सकता है, पूर्णता से हम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिजिकल एक्सप्लोरेशन जितना हो सकता है वो मनुष्य जीवन में हो गया, इसके नेक्स्ट अब जो एक्सप्लोरेशन हो सकता है वो फिजिकल नहीं हो सकता, वो केवल कॉन्शियस हो सकता है। और उस कॉन्शियस जर्नी के अंदर जाने में यही शरीर सहयोगी है। और अगर हम शरीर के द्वारा अपने भीतर के मंदिर में नहीं घुसे, भीतर के परमात्मा को नहीं प्रकट कर पाए, तो हमने ऐसा किया कि पूरी जिंदगी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते गए, मंदिर के भीतर कभी भी नहीं गए। और ऐसे ही हम सब करते आ रहे हैं, इसीलिए हमारा सबका जीवन व्यर्थ हो जाता है। पर इस सूत्र कहता है जीवन मृत्यु में जाएगा ही जाएगा, और जाने से पहले जाग जाए तो बड़ा मजा है। अगर कोई व्यक्ति जागने के लिए संकल्पित हो गया है तो उसके लिए अध्याय और एक बात कह रहा है कि सुत्ते सुयावी परिबुद्ध जीवी नोवीस से पंडी या सुपन्ना। हे पंडित तुम विश्वास मत करना। किन पर विश्वास मत करना? तो कहा सोए हुए लोगों पर विश्वास मत करना। ये आसपास में चारों ओर लोग सोए पड़े हैं, सब लोग अपने अपने सपनों में खोए हुए हैं। किसी को मकान बनाना है, किसी को नाम बनाना है, किसी को इज्जत बनानी है, किसी को शादियां करवानी है, सब लोग अपने अपने सपनों में हैं। लेकिन तुम सपनों से जाग जाओ, और जब सपनों से जाग जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि चारों ओर के लोग तुम्हें सपना दिखाने की कोशिश करेंगे, आके पूछेंगे बेटा क्या बनने वाले हो, क्या करियर चुन रहे हो, अरे क्या टारगेट बनाया तुमने, कितना पैसा कमाने का टारगेट बनाया, अरे अभी तक तुमने नया मकान नहीं बनाया। हर आदमी आएगा सपना दिखाएगा, हर आदमी आएगा फ्यूचर की दिशा में धकेलेगा। और फ्यूचर की दिशा में बार बार क्यों धकेला जा रहा है? क्योंकि ये सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जीवन है, जीवन फ्यूचर में है ही नहीं, कल कभी आए ही नहीं। लेकिन हर आदमी कल के सपने दिखा रहा है, और कल के सपने का मतलब प्रमाद। प्रमाद को दो अर्थों में समझा जा सकता है। एक शब्द में कहे प्रमाद तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कल, दो शब्द में कहे तो अतीत की याद भविष्य का सपना प्रमाद है। और हर पल हम या तो अतीत की यादों में है, बुढ़ापा आ गया तो बचपन की बातें करेंगे, जवानी की बातें करेंगे, मैं ऐसा होगा करता था, मैंने ऐसा कार्य किया था, मैं इतने सालों पहले त्याग कर लिया था, इतने सालों मैंने उपवास किए थे, अठाइया की थी, मांस श्रवण किए थे, कोई इस तरह की बातें कर रहा है, कोई अपनी बिल्डिंगें बनाने की बातें कर रहा है, अतीत की बातों में है या भविष्य की बातों में है, दोनों प्रमाद है। और इस तरह के सपनों से कोई बाहर आ जाए तो उसके लिए कहा वो पंडित है, वो आशु प्रज्ञ है, यानी वो इंटेलिजेंट आदमी है जो कोई सपना नहीं देखता। अब बड़ी उल्टी बात कर रही हूं मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम से। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा करते थे बड़े सपने देखो बड़े आदमी बन सकोगे। और मैं कई बार कहती हूँ अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम से कोई जाके पूछता कि क्या आपने भी कभी सपना देखा था कि आप भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, नहीं उन्होंने भी नहीं देखा था, सपना नहीं देखा था भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, बन गए क्योंकि वो अपने कामों को प्यार करते थे, प्यार से हर काम करते थे, अपना दिलो जान से वो जिंदगी को ईमानदारी से जी रहे थे, इसलिए उस पोस्ट तक पहुंच गए होंगे। लेकिन हम सारे लोग सपने देख रहे हैं और बस यही गड़बड़ हो रही है। सपने देखने वाला कभी भी इस क्षण को चूक रहा है, इस क्षण को जी नहीं पा रहा, क्षण में अमृत है कल में नहीं। विराट गुरुजी से किसी युवक ने एक बार सवाल किया कि गुरुजी सफलता का राज क्या है? गुरुजी बोले सफलता का राज आज, बस सफलता का राज आज, जहां कल है वहां कल्याण है ही नहीं। सुते सुयावी परिबुद्ध जीवी, इसीलिए सोए हुए में जागृत रहना। हे आशु प्रज्ञ, हे इंटेलिजेंट आदमी, सोए लोगों की बातों पे भरोसा मत करना। स्वामी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि सलाह उससे लो जो खुद उस सलाह को जी रहा हो, जो खुद उस सलाह को नहीं जी रहा उसे सलाह मत लो।
अगर कोई वैद्य है और वो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता तो उससे हम इलाज कैसे करवा लें? अगर कोई जागा हुआ ही नहीं है तो उससे हम सलाह लेंगे तो वो जो खुद सपनों में है वो हमें क्या सलाह देगा? और हम सब गड़बड़ी क्या करते हैं? जो लोग खुद स्ट्रेस में है, टेंशन में है, जिनको खुद को अपने आजीविका की चिंता है, भविष्य की चिंता है, हम जाकर के उनको अपना हाथ दिखाते हैं, जरा हमारे बारे में बता दीजिए। एक जगह हम बैठे थे, एक ज्योतिषी आए, लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, ये ऐसे महान है, ये है, वो है। तो आसपास में जितने भी लोग मिलने आए हुए थे वो सब ज्योतिषी के पास पहुंच गए, हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो। वो ज्योतिषी देखे आया तो था मैं वैभवशी जी से बात करने के लिए, तो सारे लोग मेरे हाथ दिखाने में आ गए, कोई बात नहीं। उसने प्रेम से सबके हाथ देखा। 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, जब सारे लोग चले गए, बाद में वो ज्योतिषी मेरे सामने कहता है, महाराज जी मुझे बता दो जरा मेरा भविष्य कैसा है, मेरा घर बार कैसा चलेगा। मुझे इतनी हंसी आई कि सारे लोग उसके पास में हाथ दिखा रहे हैं और वो अपने भविष्य की चिंता कर रहा है, तो हम सारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं। तो सूत्र बहुत प्यारी बात कहता है, विश्वास मत करना उन पे, विश्वास मत करना जो सोए पड़े हैं लोग, वो कैसी भी बातें करें उनकी बातों के प्रभाव में मत आना, प्रभाव में बह गए खुद से चूक जाएंगे, और खुद में जागृत रहना। बहुत प्यारा है ये चतुर्थ अध्ययन, इसके अंदर छोटी छोटी लाइनों में सूत्रों में सार भरा है। एक सूत्र बहुत प्यारा इसमें आता है, छंदम निरोहेण उवे मोक्षम, छंद का निरोध कर लिया तो मुक्त हो गए। छंद का मतलब क्या है? जैसे पानी के अंदर लगातार बुलबुले फूटते, उबाल आता है तो बुलबुले फूटते, ऐसे हम सब के भीतर लगातार कुछ ना कुछ इच्छाएं फूटती रहती है, कभी ये कर लू, कभी वो कर लू, ये पालू वो पालू, इसके बाद यहाँ घूमने जाना, उसके बाद वो देखने जाना, उसके बाद ये कपड़े खरीदने हैं, उसके बाद वो करना है। तो कहा ये जो इच्छा लगातार फूट रही है, छंद है ये, छंद लगातार जो फूटता जा रहा है भीतर से, ये इसका निरोध करो। जो बाहर की दिशा में छंद जा रहा है उसका निरोध कर लो, तो क्या होगा, ये छंद जो बाहर ले जा रहा है वो बाहर ना ले जाके स्व में आ जाएगा, और जब स्व का छंद मिल गया तो मुक्त हो गए। बहुत प्यारा शब्द था स्वच्छंद, जिसको आज हमने विकृत कर दिया। आज लोग स्वच्छंद का मतलब समझते हैं जो डिसिप्लिन लेस है, जिसके पास कोई अनुशासन नहीं है, जो बदचलन हो गया है, जो आपे से बाहर हो गया है, जबकि स्वच्छंद का अर्थ था जिसको स्व का छंद मिल गया और वो अपने ही संगीत में मस्त हो गया, वह तो मुक्त हो गया। लेकिन जो लगातार बाहर की तरफ छंद में जा रहा है, बाहर इच्छाएं फूट रही है उसकी, प्रभाव में जा रहा है, वो व्यक्ति लगातार परेशान होता रहेगा, तनाव में जाता रहेगा। तो कहा छंदम निरोहेण उवे मोक्षम, आसी जहां सिख्य वम बधारी, जैसे कोई अच्छा सा अश्व होता है, घोड़ा, जो अश्वपालक के द्वारा पूरी तरह से अनुशासित किया है, ट्रेन किया गया है, और वो अश्वपालक कितनी उस अश्व के साथ मजे करता है, अश्व भी मजा करता है, ऐसी वो व्यक्ति जिसने अपने आप को साध लिया है, अपनी इंद्रिय और मन को साधा है, वो मुक्त होता जाएगा, वो एक सुंदर यात्रा पे आगे प्रस्थान करेगा। चौथे अध्ययन के साथ जुड़ा है पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय का नाम है अकाम वर्णिज्यम। अकाम वर्णिज्यम का मतलब है अकाम मृत्यु। देखो चौथा अध्याय कह ही रहा था जीवन असंस्कृत है, मृत्यु किसी भी पल आ जाएगी, और तब कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा, ना धन, ना परिवार, ना पुत्र, ना डॉक्टर्स, ना दवाइयां, ना आपके सारा बड़ा से बड़ा स्टेटमेंट, आपने अपना कितना भी बड़ा स्टेटस बनाया हो, कुछ भी आपको बचा नहीं सकता। अमीर से अमीर आदमी भी जब मर रहा हो और बोले कि मैं इतना सारा धन दे दूंगा, बस मुझे सांस दे दो, लेकिन वेंटिलेटर पे तो रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जीवन को बचाया नहीं जा सकता। कृत्रिम सांस दोगे तब भी आदमी को बचाया तो नहीं जा सकता, और क्या पता वेंटिलेटर पे किस लिए रखा जा रहा है, हु नोज। हम भरोसा कर रहे हैं कि वो शायद हमें बचाएंगे, लेकिन क्या पता वो हमें बचाएंगे या अपनी आजीविका को, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पांचवा अध्याय है अकाम मरणीयम, मृत्यु तो आएगी आएगी, लेकिन मृत्यु को, मृत्यु में भी चुनाव है हमारे पास। बहुत गहरी बात जो इन संबुद्ध पुरुषों ने कही वो यह है कि मृत्यु में भी हमारे पास चुनाव है, विकल्प है, दो ऑप्शन है, हम चाहे जैसी मृत्यु प्राप्त करें, या तो अकाम मृत्यु या सकाम मृत्यु। इसका
इसका क्या वर्ड मीनिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो नए वर्ड से अकाम सकाम, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को अकाम को उन्होंने बाल मृत्यु कहा, सकाम को उन्होंने पंडित मृत्यु कहा। तो इसको दो अर्थों में समझ, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में करें, आज की लैंग्वेज में समझें कि एक वो मृत्यु है जो होश पूर्वक हमने चुनी, जैसे होश पूर्वक हमने अपने कपड़ों का सिलेक्शन किया, ऐसे हमने अपनी मृत्यु चुनी होश पूर्वक, होश के साथ अपनी मृत्यु को हम जिएंगे। उसका नाम है पंडित मरण, इंटेलिजेंट मृत्यु, एक जानकार व्यक्ति की मौत, जो जागते हुए मर रहा है, जो जागते हुए मृत्यु का उत्सव मना रहा है, वो होता है पंडित मरण। अकाम मरण का मतलब है ऐसी मौत जो बस हो गई, पता ही नहीं लगा, बेभान मर गए, एक्सीडेंट हुआ मर गए, सुसाइड हुआ मर गए, कोरोना ने मार दिया, ओमिक्रॉन ने मार दिया, लोग सब बातें बताएंगे, महामारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कैंसर हो गया, ये सब चीजें जो हो रही है, इन सब चीजों के वशीभूत होके हम मर गए, हमारी मृत्यु हमारे अधिकार में नहीं रही, हमारा चुनाव नहीं रही, हमारी मृत्यु बीमारियों के हाथ में चली गई, हमारी मृत्यु इच्छाओं के हाथ में चली गई, परेशानियों में मर गए, हम दुख में मर गए, हम दर्द में मर गए, हम रोते रोते मर गए, हम सोते सोते मर गए। वो सारी मृत्यु बाल मृत्यु है, अकाम मृत्यु है, फालतू है, मतलब वो मौत भी व्यर्थ चली गई। और मौत लाइफ का अंतिम एग्जामिनेशन है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम पूरी प्रिपरेशन करते हैं, बीच के एग्जाम्स के लिए हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अच्छे मार्क्स आए ना आए, ज्यादा बहुत दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं समझते, लेकिन फाइनल एग्जाम्स के लिए हम सब लोग बड़े सजग रहते हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स हमारी नेक्स्ट क्लास को डिजाइन करने वाला है, नेक्स्ट करियर को डिसाइड करने वाला है। ऐसी लाइफ का जो फाइनल एग्जाम है वो मौत है। जीवन का जो डेस्टिनेशन है, जो गोल है, जहाँ जीवन जाके खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, जहाँ जीवन की मंजिल है, वो मृत्यु है, उस मृत्यु को हमें चुनना है। ये महावीर ने कहा, ये संबुद्ध लोगों ने कहा, मृत्यु हम चुने, या तो हम बाल मृत्यु में मर जाए या हम पंडित मृत्यु से मरे, या तो हम इच्छाओं के वशीभूत मर जाए, इंद्रियों के वशीभूत मर जाए, या हम जागते हुए। बहुत प्यारी बात आती है जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन एकदम व्यथित हो गया, बहुत व्यथित हुआ, युद्ध शुरू होने से पहले था व्यथित, युद्ध शुरू होने के बाद में वो उसके शोक का चरम दिन था जब उसका पुत्र अभिमन्यु धोखे से मारा गया। अभिमन्यु को षड्यंत्र करके उन लोगों ने इस तरह से चक्रव्यूह की रचना की, अभिमन्यु फंस गया और मर गया। जब अभिमन्यु मर गया और अर्जुन उदास है, दुखी है, बहुत व्यथित है, तब उसको समझाते हुए श्री कृष्ण ने जो कहा होगा, उस भाव को कवि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर शब्दों में संजोया। कवि कहते हैं, जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण का सोच क्या, वह मुक्त बंधनहीन है। जो इंद्रियों को जीत कर अपने आचरण में, अपने धर्म में आ गया, अपने स्वभाव में आ गया, उसके मरने का कोई शोक नहीं है। लेकिन जो जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, उसके मरण का सोच हो, उसके मरण का सोच हो, जो अपने आप खो के मर रहा है, जो चूक के मर रहा है। चूक के क्यों मर रहा है? क्योंकि वो यह आया जिस उद्देश्य से था उसको पूरा किए बिना मर रहा है। फाइनल एग्जाम है, वो जागते हुए नहीं जा रहा है, सोते हुए जा रहा है। जो सोते हुए फाइनल एग्जाम में गया है, या फाइनल एग्जाम में जाके जो सो गया है, मूर्छित हो गया, वो तो फेल ही हुआ। हालांकि जब भी कोई लोग मर जाते हैं तो हम सारे लोग लिखते हैं ही पास अवे, ही और शी पास अवे। अब एक्चुअली वो पास अवे हुए या फेल अवे हुए? पास कौन हुआ? फेल होके जा रहे हैं, पर फेल होके जाने वालों के लिए हम लिख देते हैं वो पास अवे, वो पास होके गया, पास होके कहाँ गया, फेल होके गया है। हम सारे लोग मोस्टली, क्योंकि हम जागते हुए नहीं जीते और जागते हुए मौत का चुनाव नहीं करते। हाँ, यहाँ पे एक बात और समझ लेने योग्य है,
बहुत सारे लोग ये कहते हैं मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में कहाँ। हाँ चलो जन्म तो हो गया, अब तो हो चुकी घटना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु भी हुई नहीं है और वो हमारे हाथ में है। ये जो मान्यता है कि हमारे हाथ में कहाँ, नहीं हमारे हाथ में है। फिर लोग तुलसीदास जी का वो एक कोटेशन बोल देते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही जो पंक्ति कही, बहुत पंक्ति बहुत फेमस है, बहुत लोगों के मुंह में लगी हुई है, बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मैं उनको बोलती हूँ बात तो बिल्कुल सही कही तुलसीदास जी ने, पर हमने गलत तरीके से समझ ली। उन्होंने कहा विधि हाथ, और हमने समझ लिया विधि मतलब कोई भाग्य विधाता, विधि का मतलब है कि सही प्रोसेस है हमारे पास में, विधि यानी प्रोसेस। अगर हमारे पास में सही प्रक्रिया है जीवन को और मृत्यु को जानने की, तो विधि हाथ में ही है, हमारे ही हाथ में है। जीवन मरण भी हमारे ही हाथ में है, हम ये ना माने वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है, लेकिन उस तल पर हमें पहुंचना होगा जिस तल पर हम इस मृत्यु का भी अधिकार कर सके, मृत्यु भी हम जागते हुए चुन सके, वो हमारे हाथ में है, लेकिन हमें उस तक पहुंचने के लिए तैयारी करनी होगी। जो व्यक्ति ध्यान और कायस्थ की साधना से गुजरता है वो व्यक्ति पंडित मरण को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति ध्यान और कायस्थ के द्वारा अपने शरीर को जीते जागते अपने से अलग अनुभव कर पाता है, वो व्यक्ति जब मरता है तो वो मरता ही नहीं, वो जागते हुए देखता है कि शरीर तो तैर रहा है पानी में। उसको संथारा कहा, संथारा का मतलब है बस अब वो पानी के अंदर शरीर तैर रहा है, संस्तारक हो रहा है, और मैं उसको देख रहा हूं, वो शरीर को छोड़ते हुए खुद देखता है। उसको संथारा संलेखना कहा। हमारे यहाँ संथारा संलेखना के नाम पे भी संथारा संलेखना नहीं हो पाती। लोग पक्षकार तो ले लेते हैं कि हमने सब कुछ का त्याग कर दिया, लेकिन भीतर से प्रत्याख्यानित नहीं होते, भीतर से सजग ही नहीं होते, मूर्छा ही नहीं टूटती है, भीतर की गहरी मूर्छा गहरी पकड़ बनी रहती है। और भी कई मान्यताएं ऊपर आरोपित हो जाती है, जैसे ये मान्यता कि मैंने पचकार ले लिया तो मेरी देवगति हो जाएगी, मैंने पचकार ले लिया तो मेरा संथारा हो गया। नहीं, मात्र पचकार लेने से नहीं होता संथारा, भीतर आत्मबोध होने पर संथारा घटित होता है, और उसके लिए व्यक्ति को सतत जागते हुए जीना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनल एग्जाम की तैयारी हम फाइनल मोमेंट में ही कर लेंगे, उसके लिए हमें बहुत सारे पहले के मोमेंट्स में उसकी तैयारी करनी होगी। मोह 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 गुणे जयंतम, क्षण क्षण मोह के गुणों को जागना होगा, जीतना होगा। तीसरा अध्याय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी कि खिप्पम न सके विवेक में तम्हार समुठाए पहाय कामे। ऐसा शक्य नहीं है कि एक क्षण में ही पूरा विवेक जाग जाए। जागता एक ही क्षण में है, लेकिन वो एक ही क्षण में जागने वाला विवेक भी पहले बहुत सारे क्षणों की अभ्यास मांगता है। आज हम इतनी फ्रिक्वेंट फ्लुएंसली बोल पा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ बिना एफर्ट के, लेकिन इसको बोलने के लिए पहले कितने क्षणों का अभ्यास रहा होगा। जब हमने पहली बार आ क ख ग बोलना सीखा होगा, वो बोलने में भी कितनी मेहनत लगी होगी, आज हमें याद नहीं है। जब हम अक्षरों को सीख रहे थे, फिर हम शब्द बनाना सीख रहे थे, फिर हम वाक्य बनाना सीख रहे थे, एक एक जोड़ जोड़ करके हमने सेंटेंस बनाना सीखा था, और आज तो सेंटेंस यूं ही निकल रहा है तो हमें लग रहा है अरे ऐसे ही हो रहा है। तो विवेक क्षण में ही जाग जाएगा, शक्य नहीं है कि पम न सके विवेक में हूं, इसलिए क्षण क्षण जागते रहना होगा। तमहा समुठा है, इसी क्षण से अटेंटिव होना होगा, और पहाय कामे इच्छाओं को छोड़ना होगा। बस भोग को छोड़ने की बात नहीं कही, काम को छोड़ने की बात कही। दो शब्द आते हैं काम और भोग। काम यानी कामना, काम यानी डिजायर, काम का मतलब है हमेशा कमी फील करना। जब तक हम कमी फील कर रहे हैं हम काम में हैं, और सबके साथ यही तो दिक्कत है। हम सब मनुष्यों के भीतर में ये एक अवस्था है कि हम हर पल जहां भी है वहां पे कमी फील कर रहे हैं, और बस जो कमी फील करवा रही है वो कामना है। और सूत्र कह रहा है कि खिप्पम न सके विवेक में हूं तम्हा समुठाए पहाय कामे, काम को छोड़ देना बस, क्योंकि शीघ्रता से तो जागा, एक ही क्षण में तो जागा नहीं जाएगा, तो हर क्षण जागते रहना, हर क्षण अभ्यास करना, और तब क्या घटना घटेगी कि तुम इस मौत को जाग के जी सकोगे। अब पांचवा अध्याय कहता है दो तरह के मरण है, चुनाव कर लेना।
या तो बेभान होके मरना। तो शोक है उस व्यक्ति के लिए, शोक है जो व्यर्थ में ही जिया व्यर्थ में ही मरा। उस व्यक्ति के लिए कोई शोक नहीं है जो जागते जिया जागते मरा, क्योंकि वो फिर मरा ही कहां, वो तो अमर हो गया। वो मरा ही नहीं, वो अमर हो गया। महावीर अमर है, मरे नहीं है। बुद्ध अमर है, मरे नहीं है। सालों से हम महावीर और बुद्ध को याद रखे हुए, ऐसे तीर्थंकरों को याद रखे हुए, ऐसे अवतार पुरुषों को, ऐसे पैगंबरों को जिन्होंने खुद को जागते हुए जिया, जागते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, वो अमर हो गए। पांचवें अध्याय के बाद छठा अध्याय जिसका नाम है खुड्डाग नियंत्रित जम, प्राकृत शब्द है, इसका अर्थ है हिंदी में शुल्लक निर्ग्रंथिर। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हम सबको होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, कि जिसको आज हम जैन धर्म कह रहे हैं, इसका पुराना नाम जैन धर्म नहीं था। जब महावीर थे तब जैन जैसा कोई शब्द भी नहीं मौजूद था। महावीर के समय में इस धर्म परंपरा को, इस संस्कृति को निर्ग्रंथ कहा जाता था, समण निर्ग्रंथ। महावीर शब्द, महावीर के नाम के आगे भी हमने देखा होगा सूत्रों में हर जगह लिखा मिलता है समणे निगंथे, समण निर्ग्रंथ। तो ये जो छठा अध्याय है, इस अध्याय के अंदर निर्ग्रंथ के लिए बात की गई है। शुल्लक का मतलब है छोटा, छोटे लेवल की, छोटे स्तर की बात, एक मतलब बहुत स्थूल बातें की गई है, बहुत सूक्ष्म बात भी नहीं की गई है, बहुत स्थूल बातें की गई है। लेकिन वो जो स्थूल लेवल की, शुल्लक लेवल के निर्ग्रंथ की बात की गई है, वो उसका पहला ही श्लोक, पहला ही गाथा हमको अद्भुत रूप से प्रेरणा देती है। वो कहती है कि जीवन में तब तक दुख रहेंगे ही, तब तक, कब तक दुख रहेंगे, वो कह रहे जब तक अविद्या है तब तक दुख रहेंगे। जावंत अविद्या पुरीसा सवेदे दुख संभव, सारे दुख रहेंगे जब तक अविद्या है। अविद्या क्या है? जो हमें कॉम्प्लेक्स में ले जा रही है, ग्रंथ में ले जा रही है, ग्रंथियों में ले जा रही है। निर्ग्रंथ का मतलब है जिसकी ग्रंथियां निकल गई, वन वो बिकम कॉम्प्लेक्सलेस, नो, ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके भीतर, ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। भीतर और बाहर दोनों तरफ से जिसके पास कोई ग्रंथ नहीं है, कोई बोझा नहीं है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो धर्म है वो ग्रंथों का धर्म नहीं है। जैसे हम जिसको आजकल शास्त्र बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं, किताब बोलते हैं, तो ये धर्म किताबी धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म को, ईसाई धर्म को किताबी धर्म कहा जाता है, लेकिन ये धर्म किताबी धर्म नहीं है। ये किसी पे किताब उतरी हो और उसने लिख दिया हो और वैसा ही फॉलो करना हो, ऐसा धर्म नहीं है। क्योंकि ये धर्म कहता ही नहीं किसी को फॉलो करना, किसी किताब को फॉलो करना, किसी ग्रंथ को फॉलो करना। हालांकि हम उत्तराधन सूत्रों को पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ग्रंथ को फॉलो करने की बात ये धर्म नहीं कहता है, स्पष्ट है। आज जैनों के पास ग्रंथों की भरमार है, लेकिन हकीकत में जैन का मतलब होता था निर्ग्रंथ, कोई ग्रंथ नहीं, ना भीतर ग्रंथ ना बाहर ग्रंथ। भीतर कौन से ग्रंथ है? जो भी हमारे बिलीफ्स है वो सब हमारे ग्रंथ है। बिलीफ सिस्टम पूरा की पूरा ग्रंथ बना रहा है हमको। ये बिलीफ सिस्टम ने हम सबको अलग 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 कैद कर लिया, अलग 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 दिशाओं में बांध दिया। कोई दिगंबर बन गया, वो श्वेतांबरों को साधु ही नहीं मानता है, वो कहते हैं श्वेतांबर तो मुक्त हो ही नहीं सकते क्योंकि कपड़े पहनते हैं। अब श्वेतांबर में भी कोई मूर्ति पूजक बन गया है, वो भी एक ग्रंथ बन गया है ना, और वो कहता है बस जो मूर्ति की पूजा करेगा वही मुक्त होगा। वो भूल ही गया इंसान की मूर्ति पूजा के लिए नहीं बनी थी, मूर्ति किसी और कारण से बनी थी। और फिर जो मूर्ति को नहीं मान रहा है वो कह रहा है अगर मूर्ति को मान लिया और हाथ जोड़ लिया तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अभी एक नया ग्रंथ बन गया, सैकड़ों ग्रंथ है। कोई कह रहा है चिड़ियों को दाना डाल दिया तो तुम मुक्त नहीं हो सकते, और कोई कह रहा है चिड़ियों को दाना नहीं डाला तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। अब क्या करोगे, कितने ग्रंथ है, इन सारे ग्रंथों से कौन मुक्त हो सकता है किसी में साहस? कौन करेगा वो साहस जो ये कह दे कि मैं इस तरह की किसी भी बात को मानूंगा ही नहीं, मैं केवल अपने अनुभव की साक्षी से जीऊंगा, मैं कभी किसी की भी बात को मानूंगा ही नहीं। कोई एक ऐसे विरले लोग होते हैं जो कहते हैं
मैं किसी भी मान्यता की चश्मे से नहीं देखूंगा, मैं खुद अपनी आंख खोलूंगा और अपनी आंख से देखूंगा। उनके लिए अध्याय है ये। अध्याय पहले ही कह रहा है कि जावंत अविद्या पुरीसा सव्य ते दुख संभवा, लुप्पन्ति बहु समूढ़ा कम्म संगे हैं अजानिया। फिर आगे कहते हैं सबसे मुक्ति का उपाय क्या है, तो महावीर ने बहुत प्यारी बात कही, अपना सत्य में से जा, अपना सत्य खोजना, मृत्यु भुए सु कप्पय, प्राणी मात्र से मित्रता रखना, किसी के विरोध में मत जाना कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, दिगंबरों को जाके समझाए, श्वेतांबरों को जाके समझाए, तेरापंथियों को जाके समझाए, ना 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 ना, किसी को समझाने जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, सबसे मित्रता है, लेकिन आंख अपनी खोलनी है, नहीं तो लोग फिर भटक जाते हैं। वो थोड़ी बहुत कोई नई बात सुन लेते हैं तो वो अपनी नई बात को एक नई मान्यता बना करके बाकी सब लोगों को समझाने चले जाते हैं और फिर सबसे शत्रुता बना लेते हैं। नहीं, वो कह रहे किसी को समझाने नहीं जाना है, अपना सच्चे में से जा, अपना सत्य खोजना। हाँ, मित्यम भूये सु कप्पय, प्राणी मात्र के साथ प्रेम हो, मित्रता हो, लेकिन किसी और को समझाने या खोजने नहीं जाना, अपना सत्य खोजना। अपना सत्य खोजने का मतलब पहले हम फिर से समझ ले कि जब तक हमने किसी की भी बात को बिना अनुभव के मान लिया है तब तक हम अपने सत्य को नहीं खोज सकेंगे। मान्यता ही दर्शन पर आवरण है, हमारी दर्शन पर यानी देखने की क्षमता पर जो आवरण है, जो ऑब्स्टेकल है, वो हमारी सबकी मान्यताएं हैं, और ये मान्यताएं हमको बांट रही है, ग्रंथ बना रही है, हमको हल्का नहीं बना रही, भारी बना रही। और किताबों ने भी हमारे दिमाग में कितनी इंफॉर्मेशन भर दी, लोग बरसों से इस रास्ते पर है लेकिन उनके भीतर वो कमलनाल फूटी नहीं, आत्मानंद घटित नहीं हुआ। क्यों नहीं घटित हुआ? क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अपनी डोर अटका ली, और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हो रहे हैं। और सबसे इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, वो यह है कि ये अध्याय कहता है कि कोई तरह की भाषा आदमी को नहीं तारेगी, कोई तरह का भाषा का विज्ञान आदमी को नहीं तारेगा, कोई तरह का वाक विलास आदमी को नहीं तारेगा। कोई व्यक्ति कहे कि मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैं मुख से बोल सकता हूं तो मैं तिर जाऊंगा, तो ये अध्याय स्पष्ट कह रहा नहीं। वाया वीर्य मित्तेडम समा शासन त्यपय, तुम मुंह में वायु कितनी भर लो और कितनी वायु मुंह से छोड़ लो, इसे कल्याण नहीं होगा। कितने शब्द हमने भीतर में डाल लिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अंदर चले जाते शब्द वापस बाहर निकल आते शब्द, और हमें लगता है हमने शब्दों के पंडित बन गए तो हम ज्ञानी हो गए और मुक्त हो जाएंगे। ये ध्यान कह रहा है नहीं, कितने भी शास्त्रों को जान लेने से मुक्ति का संबंध नहीं है। तो क्या करना होगा? तो ये सूत्र, एक ही सूत्र को अगर हम पकड़ ले कि अपना सत्य खुद खोजना होगा। कोई ग्रंथ नहीं तारेगा, कोई भाषा नहीं तारेगी, कोई यंत्र तंत्र मंत्र अनुष्ठान नहीं तारेगा, कोई अंग विद्या नहीं तारेगी, कोई ज्योतिष नहीं तारेगा। आदमी को अगर तिरना है तो उसको बिना किसी शब्दों के अपने भीतर के मौन को जानना होगा, अपने भीतर के मौन में जाना होगा। मौन में ही वह गुप्ती में ही वह रास्ता मिलेगा। मिला है क्या ऐसा रास्ता कईयों को? हाँ, उत्तराधन सूत्र साक्षी बन रहा है कि कईयों को ऐसा रास्ता मिला है, लेकिन क्यों लोग भटक जाते हैं इस रास्ते को? इतना अगर आसान है तो दिखता क्यों नहीं सबको रास्ता? तो सातवां अध्याय कहता है, बहुत प्यारा अध्याय है, उर भ्रिय उर बिज्जम। उर बिज्जम का अर्थ होता है मेमना, बकरे का बच्चा, मेमना जिसको बोलते हैं। इस अध्याय का नाम ही बड़ा अजीब सा है ना, उर भ्रिय यानी मेमना। ये अध्याय कह रहा है कि लोग इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि सबको बाहरी दिखावट पसंद है। बाहरी दिखावट कैसे? तो इसमें एक स्टोरी आती है इस अध्याय के अंदर में कि एक इंसान है, एक किसान है, जिसके पास में अपने घर के आंगन में उसने मेमने को पाल रखा है, गाय को भी पाल रखा है, और गाय का बछड़ा भी हो चुका है। तो वो रोज मेमने को खाने के लिए चावल देता है, जौस देता है, उड़द देता है, कुछ 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 देता है, अच्छा अच्छा खाना देता है, और गाय को खाने के लिए सूखी घास देता है। तो बछड़ा अपनी माँ को पूछता है कि माँ, तुम तो दिन रात काम करती हो तो भी तुमको खाने के लिए सूखी घास मिलती है, तुम तो दूध भी देती हो, और ये जो मेमना है इसको बढ़िया से बढ़िया खाने को मिलता है, मोटा ताजा हुआ जाता है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मालिक तुम्हारे साथ कुछ अन्याय कर रहा है?
अब इस घटना को हम अपनी जिंदगी पे देखें, हम में से अधिकांश लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ये लोग इतना पाप कर रहे हैं फिर भी ऐश कर रहे हैं, हम लोग बड़े सज्जन हैं, बड़े धार्मिक हैं, फिर भी हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा जिंदगी के अंदर, कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा हमारे साथ। एक बार एक बच्चा अपने स्कूल में जाता है और उस दिन उसका बर्थडे है, तो मम्मी उसके साथ लड्डुओं का एक पैकेट भेज देती है। तो इंटरवल जब होता है तो वो मास्टर को कहता है, मास्टर मास्टर आज मेरा बर्थडे है और मैं लड्डू लेकर आया हूँ, तो क्या क्लास में सारे बच्चों को लड्डू बांट दूँ? तो टीचर कहता है, हाँ हाँ तुम क्लास में सारे बच्चों को लड्डू बांट दो, मैं सबको लाइन से खड़ा कर देता हूँ। सारे बच्चे लाइन से खड़े हैं, तो वो बच्चा पूछता है अपने टीचर से कि मास्टर साहब क्या मैं ये लड्डू भगवान की तरफ बांटू या इंसान की तरफ बांटू? हैरान हो गया टीचर, वो बोलता है कि भगवान की तरफ बांटू या इंसान की तरफ बांटू, मतलब क्या हुआ? क्या भगवान अलग तरीके से बांटते हैं, इंसान अलग तरीके से बांटता है? वो बोला हाँ। तो बोले कैसे? तो टीचर कहता है, अच्छा यू करो, तुम भगवान की तरफ बांटो। अब उसने क्या किया, स्कूल के ग्राउंड में सारे स्टूडेंट्स खड़े थे और उसके हाथ में लड्डू का पैकेट है, अब उसने लड्डू बांटना ऐसे शुरू किया, ऊपर आकाश की तरफ उछाल रहा है। तो कोई तो पकड़ पा रहा है लड्डू, कोई जमीन में जा रहा है, कोई लड्डू बाहर जा रहा है, कोई लड्डू कहीं जा रहा है, किसी के हाथ में दो आ गए, किसी के हाथ में एक भी नहीं आया, किसी के हाथ में चार आ गए, क्योंकि पकड़ने की क्वालिटी पर है किसने जितना पकड़ लिया। तो बोले ये भगवान की तरह तो ऐसे ही बांटा जाता है। टीचर बोले तुम कर क्या रहे, लड्डू सारे वेस्ट हो रहे हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रहे हैं। तो बोले भगवान भी तो ऐसे ही देता है, किसी को छप्पर फाड़ के देता है और किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। अगर इंसान की तरह बांटू तो एक 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 एक, एक, एक सबको मिल जाएगा, लेकिन भगवान की तरह बांटूंगा तो ऐसे ही होगा, उछालना पड़ेगा, जिसके हाथ लगे लग गया, उसकी किस्मत नहीं लगा उसकी किस्मत, गिर गया तो गिर गया। भाई भगवान भी तो ऐसे ही कर रहा है, कहीं तो बारिश खूब ज्यादा हो रही है, कहीं बारिश ही नहीं हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं खाने को बहुत मात्रा में और कहीं सब भुखमरी में लोग मर रहे हैं, ये सब कुछ तो भगवान की माया है भी, लोग ऐसे ही तो बोलते हैं। तो ये स्टोरी बोलती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि उस मेमने को तो सब कुछ खाने को मिल रहा है और गाय को नहीं मिल रहा। तो बछड़ा तो कि बच्चा है, छोटा है, इस दुनिया में नया नया आया है, उसको इस दुनिया का क्या एक्सपीरियंस? तो वो तो न्याय की बात कर रहा है, वो अपनी अकल से तो समझदारी की बात कर रहा है, लेकिन गाय जो दूर तक देख पा रही है वो बछड़ा थोड़ी देख पा रहा है। और हम सबके साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं देख पा रहे इसलिए हम दूर दृष्टि भी नहीं, जो निकट दृष्टि हुआ है वही दूरदृष्टि भी हो सकता है। हमने अपने आप को ही नहीं देखा तो हम दूर को भी कैसे देख पाएंगे? हम कयास लगा सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। गाय कहती है बेटा, अपने बछड़े को बोलती है बेटा चिंता मत कर, ये जो मेमना है ना जिसको खूब खिलाया पिलाया जा रहा है, बस इस मालिक के घर में जब भी गेस्ट आएंगे ये बकरा काट लिया जाएगा और इसका मांस उनको परोसा जाएगा। और ये मालिक इसलिए नहीं खिला रहा है कि उसको मेमने को बढ़िया खाना खिलाने में कुछ ज्यादा रस है, कुछ ज्यादा खुशी है, वो इसलिए खिला रहा है क्योंकि वो अपने लिए खाना तैयार कर रहा है। संसार में सब कुछ ऐसा ही तो हो रहा है, कोई आदमी किसी के लिए इसलिए नहीं कर रहा है, उसके लिए कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है, वो अपने आप के लिए कर रहा है। और दूसरी बात, जो मौत आएगी तब क्या होगा? कितना ही भरा पूरा हो, हमने कितना ही खाया पिया हो, कितना ही इकट्ठा किया हो, क्या होगा? उस मेमने की तरह हम भी रोते रोते परवश होके चले जाएंगे और एक झटके में मौत आएगी, ले जाएगी, खत्म हो जाएगी बात। तो गाय कह रही है बछड़े को, बेटा चिंता मत कर, ये बस पाहुने की प्रतीक्षा चल रही है, पाहुना आएगा और ये काट दिया जाएगा। और वो पाहुना क्या है? वो मौत है, वो मृत्यु है, और वो अतिथि है, मृत्यु ही अतिथि है, बाकी सबकी तिथि हो सकती है, मृत्यु की कोई तिथि नहीं, अतिथि है, वो पाहुना है, वो गेस्ट है। बाकी तो सारे गेस्ट आने से पहले फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं, प्रोग्राम देते हैं, है? हर कोई अपने अपने प्रोग्राम की इटिनरी बना रहा है, लेकिन मौत की क्या? वो अतिथि है, कभी भी आएगी, और जब आएगी तो मेमना काट लिया जाएगा। बस ये मालिक उसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि अतिथि कब आए और मेमना कब काम में आए। बस ऐसे ही हम सबके साथ हो रहा है, हम कितना भी इकट्ठा कर रहे हैं अथवा हम दूसरों के लिए देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत इकट्ठा किए जा रहा है, इकट्ठा किए जा रहे हैं, बहुत सुख की जिंदगी जी रहा है, हमें नहीं पता वो सुख की जिंदगी जी रहा है या दुख की, उसके भीतर क्या है? जो खूब खा खा करके अपना पेट फुला रहा है, हमें लग रहा है अरे बहुत सुख की जिंदगी है तो खूब खा सकता है, लेकिन उसके भीतर के क्या तनाव है कि उसको भोजन से अपने आप को भरना पड़ रहा है? कुछ तो ऐसी दुख है, पीड़ा है, जो कि लगातार वो भोजन से अपने आप को भरा जा रहा है, बिना भोजन के वो जी नहीं पा रहा है। इसका मतलब है अंदर में बहुत परेशान है वो, क्योंकि बहुत खुश होता, प्रसन्न होता,
तो उसको अतिरिक्त खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पूर्ण अगर आत्मस्थ हो जाता तो शायद खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो तो भरा जा रहा है, इसका मतलब है वो भीतर में खाली है। और जो लोग भरे जा रहे हैं अपने आप को साधनों से, संपत्तियों से, पैसों से, किसी किसी तरीकों से, डिग्रियों से, कहीं भीतर में रिक्तता है, और उस रिक्तता का वो साक्षात्कार करने के लिए तैयार नहीं है। उस रिक्तता को भरने के लिए वो काम भोग के सारे साधन इकट्ठे कर रहे हैं। ये सातवां अध्याय बता रहा है कि आदमी अपनी रिक्तता को भरने के लिए एक छोटी सी चीज भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो हर सुख का साधन जुटाने के लिए दिन रात प्रयास करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जितना भी बाहर से सुख का साधन इकट्ठा कर रहा है, उसे अनंत गुना सुख बिना कुछ किए भीतर भरा पड़ा है। लेकिन पता कैसे चले ना? तो यहाँ बहुत सारी स्टोरी इस अध्ययन के अंदर में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिसमें से एक एग्जाम्पल है कि एक वणिक है, या ऐसे समझो तीन मित्र है, तीन व्यापारी मित्र है। तीनों ही अपने घर से कुछ धनराशि लेकर के बिजनेस करने के लिए बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, मान लो इंडिया से यूएसए चले आते हैं। अब क्या हुआ, उन तीनों में से तीनों ने जब बिजनेस किया, एक आदमी ने तो बिजनेस करके जितना पैसा लाया था उसे कई गुना बढ़ा लिया, दूसरे ने बिजनेस करके जितने वो मूल राशि लाया था उतना ही रख पाया, बाकी बिजनेस में प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, अंत तो उसके बचा क्या, जितने वो राशि, जितना धन वो घर से लेके निकला था उतना ही बचा। और तीसरे ने बिजनेस करके इतना लॉस किया कि घर से जो पैसा लेके निकला था वो भी उसका खत्म हो गया। तो बोलते हैं कि इस मनुष्य के जीवन में हम भी तीन बिजनेसमैन की तरह आए हैं। कोई लोग है जो इस मनुष्य जीवन में आकर के इस मनुष्य जीवन का सार्थक उपयोग कर लेंगे, वो बढ़ जाएंगे, आगे ग्रो हो जाएंगे। कोई लोग है जो मनुष्य जीवन में आके इसका सार्थक उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अपने मूल धन को सुरक्षित रख लेंगे, वो वापस मनुष्य होने लायक हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी है जो इतने पांचवी प्रवृत्तियों में चले जाएंगे कि वो अपने मनुष्य जीवन को ही हार बैठेंगे और वापस जानवर की योनि में पहुंच जाएंगे। यानी जीवन में तीनों डायमेंशन खुले हुए हैं, हम जहां हैं वहीं भी गोल गोल चक्कर काट सकते हैं, वहां से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। चार दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं तो हम जहां है वहीं पुती है, इस सब ट्रायंगल से। लेकिन इसके सिवाय दो दिशा और है, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा। जो धीर पुरुष है वो ऊपर की दिशा में जाता है, जो अधीर पुरुष है वो नीचे की दिशा में चला जाता है। इस अध्याय के लास्ट की दो गाथाएं बोलती है कि बालस्य पश्य बालत्वम्, कि बाल लोगों की बालपने को देखना, वो क्यों बाल है, क्योंकि वो अधीर है। और अधीर होने की वजह से क्या हो रहा है कि अधीर व्यक्ति कभी भी इन काम भोगों से विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इनका त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि अधीर है ना, तो वो तुरंत पकड़ने की कोशिश करता है बाहर में, और बाहर में पकड़ने की कोशिश करता है तो कहाँ चला जाता है, वही इंद्रियों के परिचित मार्ग पे। और जो धीर व्यक्ति है वो अपने आप में स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। और तब क्या होता है, धीरे 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 वो खुद के स्वभाव को खोज निकालता है, वो विषयों भोगों में अनुरक्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने भीतर खोजता जाता है और धैर्य रखता है। विराट गुरु जी बहुत प्यारी एक पंक्ति कहते थे कि गहन धैर्य और पूर्ण ध्यान से समण चले सम पंथ, ध्येय धाम फहरा ध्वजा पावे धमचक अंत। गहन धैर्य हो और पूर्ण ध्यान हो तो समण अपने सम पंथ पर पहुंच जाएगा, और तब अपने ध्येय धाम पर ध्वजा फहराएगा, यानी मुक्त हो जाएगा और इस धमचक का अंत पालेगा। तो ये सातवां अध्याय कहता है कि दो तरह के फिर से लोग हैं, एक अधीर लोग, एक धीर लोग। जो अधीर लोग है वो तो मेमना की तरह मर जाएंगे, जो धैर्यवान लोग है गाय की तरह अपने आप में संभले हुए रहेंगे, अपने आप को संभाल के रखेंगे, अपने आप की प्रेक्षा करते जाएंगे, वे धीरे 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 बाहरी स्तरों से हटते जाएंगे और भीतरी तल में अपने अंतर की यात्रा में गति कर पाएंगे। अंतर की यात्रा में ऐसे गति करने वाले लोग बहुत हुए हैं, जिनके एग्जाम्पल्स आठवें नौवें अध्याय में आपको मिलेंगे, लेकिन आज इतना ही। सात अध्याय तक की बात ही हम कर पाए, आठवें नवें अध्याय की बात हम फिर समय आने पर करेंगे। जय हो, सबका कल्याण हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे
है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, जय हो जय हो जय हो, सबका कल्याण हो। जी जी, वेरी वेरी इम्प्रेसिव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा था, सो मच डेप्थ हियर, सो मच टू अंडरस्टैंड। फिर से अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, और किसी का कोई क्वेश्चन आया होगा तो आपके साथ मैं कॉन्टेक्ट यू, और ये जो है वीडियोज जो अपलोड होंगी वो भी हम ऐड कर देंगे, सो यू विल हैव द लिंक्स एज वेल। ठीक है, थैंक यू। Thanks everyone for joining. Really appreciate you taking the time, and we'll resume again next Sunday. Thanks everyone. Kalyan ho sabka. Thank you. Thank you.